अजीम निजात दिंदा यीशु मसीह कादरना में आपको सलाम पहुंचे। आज सुबह जब पता चला पादरी विक्की साहब को जेल कस्टडी हो गई है तो बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ, क्योंकि जज ने मतलब के पहले दिन से ही पुलिस के साथ मिलके जो खेल खेला जा रहा है जड़ावाला से लेकर अब ये जो फैसलाबाद तक ये खेल खेला गया, बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि जड़ावाले में भी आपने देखा कि मुलजमान को अभी तक नहीं उस तरीके से पेश किया जा रहा, ना उनकी खबर गिरी है, बल्कि क्रिश्चियनों को पकड़ ला जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और अब पादरी साहब के मामले में भी आप देखें, बगैर मुलजमा के वकील के, बगैर मुलजम को पेश किए कैसे जेल जुडिशली दे। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर पुलिस ये कहती है कि सेक्टेरियन है, जैसे दफात उसने लगाई है, तो सेक्टेरियन का मतलब ये है कि पादरी साहब पर हमला हुआ है और उन पे मजीद हमले हो सकते हैं। पादरी साहब ने अगर खुद किया तो फिर सेक्टेरियन दफात कैसे लग सकती है? तो इसका मतलब है पुलिस का ये भोंडा जो है अल्जाम गलत है कि पादरी ने खुद ये अपने आप पे फायर किया है। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो पुलिस को फिर दूसरा पादरी से क्या डर है पादरी को पेश करने में? इसका मतलब है कि जिन्होंने हमला किया उनके मजीद हमले का डर है, तो इसलिए पुलिस पेश नहीं कर रही। तो ये सेक्टेरियन की दफात जो है फिर लगाने से ये हो गया कि पादरी जो है वाकई ही उन पर हमला हुआ है और पुलिस का ये इल्जाम सरासर गलत है। और हाउस अरेस्ट की करके रखा हुआ है। हाउस अरेस्ट के लिए होम डिपार्टमेंट की इजाजत जरूरी होती है। अब ये पता नहीं है कि होम डिपार्टमेंट से उन्होंने परमिशन ली है या नहीं, क्योंकि पंजाब की पुलिस तो बादशाह है, क्योंकि वो जज के साथ आपने देखा ना जिस तरीके से भी कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि घर के अंदर बैठ के, होम अरेस्ट के अंदर भी ये होता है कि आप जो है 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप मूवमेंट कर सकते हैं पुलिस के साथ, जबकि हमने देखा कि पुलिस उनको चर्च जाने की भी इजाजत नहीं दे रही थी, जबकि ये कहा जा रहा था कि भी वो चर्च जाना चाहते हैं आप चले, पुलिस स्कॉट साथ चले। पुलिस उस वक्त भी धमा चौकड़ी कर रही है, बल्कि वीडियो बनाने वाले कराची से जो गए हुए हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया, तूफान ने बदतमीजी भी किया उनके साथ, जबकि ये कहीं भी नहीं लिखा गया होम अरेस्ट का मतलब कि आप कमरे के अंदर बैठिए, जबकि वो 6 किलोमीटर के अंदर पुलिस स्कॉट के साथ सफर कर सकते हैं, ये भी नहीं किया। और फिर जब बंदा एक पैरालाइज है तो रिमांड नहीं दिया जाता, जेल कस्टडी नहीं की जाती, बल्कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जज साहब ने यह भी नहीं किया, उनको पुलिस के हवाले कर दिया ताकि और ज़हनी तौर पे उन पे और टॉर्चर करें, उनको और दबाव में लाएं। और फिर जो है दूसरे बंदों को जो गैर कानूनी तौर पे रखा, इतने दिन तक क्यों रखा हुआ, फिर उनको छोड़ दिया। होना तो चाहिए जिनको छोड़ दिया वो भी क्या वो भी पुलिस के ऊपर केस करे कि हमें ये इन्होंने इस तरीके से ज़हनी तौर पर यह रखा है, गैर कानूनी हिरासत में रखा है, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशनल जो है लगाई जानी चाहिए थी लाहौर के अंदर, ये फैसलाबाद के हाई कोर्ट के अंदर लगाई जाती ताकि जो है ये होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पादरी साहब के ज्यादती पे ज्यादती हो रही है, क्योंकि पादरी साहब का मेरा ख्याल है शुरू से किसी ने सही तौर पे इस केस को डील नहीं किया। अब जो हुआ है वो थोड़ा केस के अंदर पेशरफ नजर आ रही है, लेकिन आप ये देखें ना इस केस के अंदर जज और पुलिस जो है उनकी एक ही राय है, एक ही राय है। और फिर दूसरी तरफ देखें हमारे मजहबी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ साहब का बयान आ गया, और उनकी मैंने अभी वीडियो देखी है, उसके अंदर इतना तकब्बुर, इतना गुरूर, इतना घमंड आ रहा है, एक खुदा के खादम को ये शोभा नहीं देता। वो कहते हैं कि जी ये इनके घर वाले जो है मेरे घर में मुलाजम थे, ये है वो है, तो ये सारी बातें नहीं होती। आप खुदा के खादम, अगर आपको खुदा ने एक रुतबा दिया है तो आप इस तरीके की बातें ना करें। और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी वहां मैंने 1500 खानदानों को बचाना था, मैं क्यों उसके साथ खड़ा हो जाऊं, वहां फलां तंजीम के लोग, इसका मतलब है कि आप डर के मतलब के ये बयान दे रहे हैं, आपने डर के जो टर्मिनेटर लेटर जारी करवाया है, इसका मतलब तो साफ बात हुई होगी ना, क्योंकि आपको किस चीज का डर है। आप ये देखिए पिछले साल जो है एक मदरसे के अंदर बच्चे के साथ ज्यादती का केस हुआ, तो वो मदरसे वाले पूरे अपने उस मजहबी रहनुमा के साथ खड़े हो गए। अभी 2-3 दिन पहले एक मदरसे के अंदर एक बच्चे को तशद्दुद से मार दिया गया, उसके अजीज की वीडियो आई है कि ये हमें दबाव डाला जाएगा, आप FIR नहीं करवाए वरना हम ये कर देंगे, वो उस मजहबी रहनुमा के साथ पूरा मदरसा खड़ा है। यहाँ तो पादरी साहब ने ऐसा किया नहीं, पादरी ये साहब मजलूम है और आप जो है उनको टर्मिनेटर लेटर दे रहे, बकायदा उनकी नकलें उतार रहे हैं कि वो इस तरह टेढ़ा मुंह कर रहे हैं। ये मुझे आप बताएं, ये एक मजहबी रहनुमा को ये शोभा देते हैं? आप बड़े हैं, आप बाप है, अब क्या बाप किसी बेटे के लिए इस तरह की बातें करेगा?
इस तरह का ले जाकर है। मैं हमेशा कहता हूं कि सियासी हो मजहबी हो, जो लोग कुर्बानी नहीं दे सकते, जो दबाव बर्दाश्त नहीं करते, तो अपनी सीट से हट जाए, दूसरों को मौका दें। आप अगर ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो आप हट जाते। आपने आपके ने जो टर्मिनेटर लेटर जारी किया वो बिल्कुल ऐसे जैसे पुलिस की तरफ से चलान पेश किया गया। अब उसकी वर्डिंग देखें, आपको तो चाहिए कि अभी मैं तो समझ लूं कि आप इंसाफ का तकाजा तो ये कि आप रिजाइन करें या आप कहें कि मैंने उस पर दबाव डाला था। आप तो पुलिस की जुबान बोल रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखें लोगों के कितने मदरसे कितने कितने बड़े बड़े कांट हो गए, लेकिन वो अपने लोगों के साथ खड़े गए, अपने मजहबी रहनुमा के साथ। उन्होंने कहा कि हम पीछे हट जाएंगे, तो आप अपने बंदे को जो एक नहता है, एक पैरालाइज हुआ है, उसके साथ आप खड़े होने का, अगर आप पहले दिन आप उसके साथ खड़े हो जाते और उस केस की पैरवी करते तो आज ये ऐसा ना होता, और अगर पैरालाइज होते तो आज वो छुट जाते। अगर पुलिस के कहने के मुताबिक अगर उन्होंने खुद भी चलाई है तो पुलिस फिर भी इस तरीके का रवैया नहीं अपना सकती। जिस तरीके के पुलिस ने रवैया अपनाया है, पुलिस फिर भी इस तरीके से नहीं कर सकती थी। और मुझे दुख है, अफसोस है कि पाजी साहब जेल के अंदर है, किस हाल में होंगे, क्या होगा उनके साथ। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस बंदे ने बाइबल के ऊपर हाथ रख के बात कर ली तो फिर उसके बाद आगे क्या रह जाता है। वो बंदा जेल कर, पुलिस कस्टडी के अंदर भी खुदा की हम्द के गीत गा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है एज ए हेड ऑफ द चर्च, आपका काम नहीं उनके साथ खड़े होना, आप पुलिस के साथ खड़े हो। आप मौलवियों से सबक सीख ले पाजी साहब कि वो अपने लोगों के साथ कैसे खड़े हो, अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़े। और आपने बिल्कुल बेयारों मददगार पादरी विकी को छोड़ दिया, जो कि मैं समझता हूं बड़ा अफसोसनाक है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अब भी मौका है कि आप उन पादरी विकी के साथ खड़े हो और आप ना डरें। अगर आपने डरना तो फिर आप खुदा के खादम कैसे हैं? एक क्रिश्चियन तो डरता ही नहीं है।